वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज सेवेंथ में आईएलटीएस एग्जाम प्रेडिक्शन, जो कि आपको सिक्स में को फाइनल प्रेडिक्शन भी मिलेगी एक दिन पहले। व्हाट आर द चेंजेस इन द प्रेडिक्शन, बट मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे वीडियो ध्यान से देखेंगे। स्पीकिंग की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो न्यू क्यू कार्ड्स आर अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने है। सो आप न्यू पीडीएफ तो अभी थोड़े दिनों में आएगी, जिनका स्पीकिंग एग्जाम सेवेंथ से पहले है तो वो ज़रूर ये चेंजेस देखें। और न्यू क्यू कार्ड जो पूछे गए पुराने करने ही हैं, वो नहीं छोड़ने आपने, लेकिन न्यू जो ऐड किए गए हैं उसकी वोकैबुलरी भी आल्सो अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। बात करें लिसनिंग की गाइस, तो लिसनिंग में आपके पास है कैम्ब्रिज बुक्स, जो कि आपकी ये वाली बुक्स आपने करके जानी है 27912, और इसमें मैप या लेबलिंग जो है वो डायग्राम लेबलिंग ज़रूर आ रहा है। फिलअप्स जो हैं वो मॉडरेट फास्ट लेवल के हो सकते हैं, और सेक्शन 3 जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो भी फास्ट ऑडियो हो सकती है। आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स करने हैं, 1200 वर्ड्स करने हैं लिसनिंग के, आप ये ज़रूर पहले से करके जाएं। और अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है, दिस इज़ अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज माई टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। ऑन टू द एकेडमिक रीडिंग पार्ट, ईजी टू मॉडरेट लेवल हो सकता है गाइज, अगर मैक्सिमम जो है वो ईजी ही होने वाली है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये है पैसेज वन के क्वेश्चन एंड वेबसाइट जहाँ से आपने प्रेपरेशन करना है। आईएस मटेरियल की पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आईएस फीवर की रीडिंग जरूर करें, मिनी आईएस की रीडिंग जरूर करें। पैसेज वन में या फिर किसी एक स्लॉट में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ सकती हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि येस नो नॉट गिवन की है, दोनों में से एक ऑप्शन आ सकता है, ये आप जरूर करके जाएंगे। एंड ब्लैंक्स और एमसीक्यूज और समरी जो ब्लैंक्स के फॉर्म में ही होती है, उसके आने के चांसेस हैं। अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें गाइस, तो वेबसाइट्स आर आईएलटीएस मटेरियल, आईएलटीएस एक्सप्रेस एंड आईएलटीएस डेटा। साथ साथ में आप ये भी चेक करें कि हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, और हमारे रिव्यूज में हमेशा लिखा जाता है कि प्रेडिक्शन हमेशा से करेक्ट जाती हैं। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड येस नो नॉट गिवन। मॉडरेट लेवल का थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए पहले से प्रैक्टिस वैसे करके जाएं। फर्स्ट एग्जाम है, ईजी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका केपेबिलिटी कैसा है, आपका कैलिबर कैसा है। राइटिंग टास्क वन के लिए हमारे पास वेबसाइट से आईएलटीएस मटेरियल की पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। आईएलटीएस एक्सप्रेस एंड आईएलटीएस फीवर कौन कौन से आने के चांसेस हैं, जनरल के लिए सेमी फॉर्मल लेटर एंड इसके लिए पाई लाइन मैप या प्रोसेस, इसको अच्छे से करें, साथ साथ हमारे रिजल्ट के ऊपर जरूर ध्यान दें। अगर हम बात करें राइटिंग टास्क टू की, तो उसके लिए ये वेबसाइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएलटीएस मटेरियल की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरह के टास्क आ सकते हैं, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रेडिक्शन लिस्ट भी मैंने लगा दी हुई है। अगर उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेक करें। आईएलटीएस फीवर और आईएलटीएस एक्सप्रेस प्लस आईएलटीएस प्रैक्टिस ऑनलाइन जो है, यहाँ से सबसे ज़्यादा राइटिंग टास्क टू आ रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉज इफेक्ट प्रॉब्लम, टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री, डू द एडवांटेजेस एंड डिस्कस के क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक से गाइज इनको जरूर करके जाए। इनकी थीसिस स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, इसकी थीसिस होनी चाहिए, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, आप सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने है, इंस्टाग्राम पेज आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो टेक केयर एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।